14 वर्ष हो गए झारखंड बने, 14 वर्षों में हमें मिले 9 मुख्यमंत्री, पर 14 वर्षों में भी खत्म नहीं हुआ विकास का वनवास। क्या अभी भी आप ऐसा ही चाहते हैं? अगर नहीं तो आगे आएं और भाग लें दैनिक जागरण के अभियान कैसी सरकार चाहिए झारखंड को। मर्जी हो आपकी, राज्य है आपका। पढ़ते रहिए दैनिक जागरण। मैं तो मानता हूँ कि सरकार की, किसी भी सरकार की सोच ऐसी नहीं रही है कि झारखंड में शिक्षा का विकास हो, क्योंकि जितनी भी सरकारें बनी, कागज पर योजना बनी, केवल वह कागज पर ही रह गया, धरातल पर कहीं नहीं आया। विभिन्न पार्टियों के मिल करके और बहुमत से निर्णय लेने वाली सरकार नहीं होती है, वह डिसीजन को लेता है, दूसरा आता है उस डिसीजन को बदल देता है। तो एक बहुमत वाली सरकार आए, जहाँ सरकार की बात है, और उसमें एक शिक्षाविद को ही शिक्षा मंत्री बनाया जाए, जिससे कि वह शिक्षा के बारे में सोचे समझे। जनता जब वोट दे तो बेस्ट अमंग द बेस्ट चुने। दूसरी बात है शिक्षा। स्थायी सरकार की बात होती है और एक क्वालिटी के लीडर्स आए, क्वालिटी के MLAs MPs चुने जाएं, दो डिफरेंट चीज़ें। तो अभी तत्काल की जो जरूरत है, जो इन परिस्थितियों में संभव है, वो एक स्थायी सरकार बने और ऐसी सरकार जिस पर हम लोगों का विश्वास हो सके। तो मैं अपने घर में शिक्षा क्या देती हूँ? मैं हूँ शिक्षक, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने जाएगा, कहाँ जाएगा? लहरौटी में जाएगा, कहाँ जाएगा? संजीवे में क्यों जाएगा मेरा बच्चा? तो फिर वो सरकारी स्कूल की क्या औकात रहेगी? तो सबसे पहले जो हम लोग शिक्षित हैं, उस शिक्षित के विचार में, भावना में बदलाव लाने की जरूरत है। उसका कारण सबसे पहले है कि जो सरकारी स्कूल खुलते हैं उसे तब तक मान्यता न दी जाए जब तक वो सारी चीजों को पूरा नहीं करे। सरकार आगे खोले ही नहीं स्कूल जब तक वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो, जब तक वहाँ का करिकुलर नहीं हो, जब तक वहाँ पे एक शिक्षित टीचर न देते हो, तो आप वैसा स्कूल खोल कर क्या करेंगे? तो मैं अपने बोर्ड के लिए खोल देती हूँ। देश नहीं मानते हैं पढ़ाई को, बल्कि ये कुछ व्यवसाय करते हैं या कहीं कंप्यूटर पर काम करते हैं तब पढ़ने के लिए आते हैं। तो सबसे जरूरी है शिक्षा जगत में पढ़ाई के लिए दिलचस्पी उत्पन्न करना। अपने समय में मैं जो शिक्षा पाई थी सरकारी स्कूल से, मैं भी शिक्षा प्राप्त करके निकली। अभी एक क्या है, एक ठेला वाला जिसके पास 2000 में उसका इनकम है, क्या बोलता है कि पब्लिक स्कूल में भेजेंगे बच्चे को, प्राइवेट में भेजेंगे, सरकारी में नहीं भेजेंगे। आखिर ये 10-15 साल में क्या अंतर आए कि लोग सरकारी विद्यालय की ओर से विमुख हो रहे हैं। अभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बहुत सा पैसा ऐसा नहीं है कि सरकार अरेंज नहीं कर रही है। कभी लाइब्रेरी के नाम से, कभी साइंस लैब के नाम से, कभी साइंस के सवाल के नाम से, लेकिन उन पैसों का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं है। ऊपर से पैसा नीचे आता है अधिकारी के पास, अधिकारी से स्कूल तक जाता है, स्कूल में वो उस धरातल पे आया, ठीक है, कागज में सारा चीज हो रहा है लेकिन वो चीज हकीकत में नहीं आ। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की बजे कोई भी आए, व्यक्तिगत हित अलग रख करके जब तक लोग काम नहीं करेंगे तब तक चीजों को बदलना मुश्किल है। झारखंड में शिक्षा की जहां तक बात है, मैं खुद एक आदिवासी हूँ, बदलाव लाने की जरूरत है, ये अश्योर करने की जरूरत है उन क्षेत्रों में जाकर के कि उनके जो भी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनको छेड़े बगैर आप उनको शिक्षा दे सकें, उनको जागरूक कर सकें बाकी चीज़ों के लिए। तो ऐसे लोगों की सरकार चाहिए, मुझे ऐसे लोगों की सरकार चाहिए जो देश की सुंदर, जो झारखंड से प्रेम करते। यदि आप प्रेम नहीं करते तो आप विकास के लिए कोई बात नहीं। और आज 14 साल में 9 मुख्यमंत्रियों का एक दंश झारखंड ने खेला। मुझे लगता है कि शिक्षा जगत के लिए कोई रोडमैप यानी विजन, जितने भी मुख्यमंत्री आए, जितने सरकारें बनी, उनके लिए इसका अभाव रहा हुआ है। सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां झारखंड में पैदा हो गई हैं, उसकी वजह से जो है कि यहाँ पर एक वैकल्पिक किसी भी तरह का कोई न नेता बन पा रहा है, न उस तरह का सिस्टम डेवलप हो पा रहा है, और वहीं किसी प्रकार का नीति बन पाया है। विकसित राज्य का आधार होती है अच्छी सरकार, ऐसी सरकार जो जनता की जरूरतें समझे और उसे पूरा करे, नीतियों को सही तरह से लागू कर सबको विकास की ओर ले चले, राज्य की अर्थव्यवस्था और कानून को बनाए रखे। तो अब सोचिए कैसी सरकार चाहिए झारखंड को। पढ़िए रोजाना दैनिक जागरण में विशेष संपादकीय अभियान कैसी सरकार चाहिए झारखंड को। मर्जी है आपकी, राज्य है आपका। पढ़ते रहिए दैनिक जागरण।